Margaret's mother had told her that every child has to be taught according to his needs. Margaret के मदर का कहना है कि हर बच्चे को उसके नीड्स के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए. Now Margaret was interested in reading more about the old funny schools. अब Margaret जो है इंटरेस्टेड हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती है, ओल्ड स्कूल के बारे में जानना चाहती है. टॉमी एंड मार्गी अटेंडेड स्कूल एट अ फिक्स टाइम. टॉमी और मार्गी का स्कूल अटेंडिंग का एक फिक्स टाइम है, वो लोग अपना स्कूल अटेंड करते हैं. मार्गी थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल्स वेयर किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन स्टडिंग टुगेदर एंड प्लेइंग. अब मार्गी के दिमाग में ऐसा विचार आता है ओल्ड स्कूल्स के बारे में, जहाँ बच्चे बहुत सारा फन करते हैं, स्टडिंग करते हैं एक साथ और खेलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हर टीचर वॉज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर. कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हर टीचर वॉज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर इन अरिथमेटिक. अब उसको अरिथमेटिक की पढ़ाई होना है. ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा. बट मार्गी वॉज लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल. लेकिन मार्गी का दिमाग ओल्ड स्कूल के प्रति चला जाता है, वो उसी के बारे में सोचती रहती है. स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके थीम पे गौर करेंगे कि इसका थीम क्या है. द मेन थीम इन द शॉर्ट स्टोरी द फन दे हैड इज दैट ऑफ एडुकेशन. एडुकेशन इसका मेन थीम है. मोर स्पेसिफिकली द नैरेटिव डील्स विद द फ्यूचर ऑफ एडुकेशन. फ्यूचर एडुकेशन हमारा कैसा होगा, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है. विच विल बिकम इंक्रीजिंगली कंप्यूटराइज. आगे के समय में सारा चीज़ जो है कंप्यूटराइज हो जाएगा. एंड एस्ट्रेंज फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस, और हम लोग सोशल इंटरेक्शन से डिप्राइव्स हो जाएंगे. मैसेज क्या है, द ऑथर्स मैसेज इज वन ऑफ द वार्निंग. ऑथर का मैसेज ये है, संदेश ये है, ये एक तरह का वार्निंग है अगेंस्ट डेंजर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड. ऐसा कंप्यूटराइज्ड के बारे में जो डेंजर दिमाग में बना हुआ है, होम स्कूलिंग विच डिप्राइव्स चिल्ड्रेन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द पर्सनल इंट्रैक्शन. होम स्कूलिंग जिसके कारण बच्चे जो है डिप्राइव्स हो जाएंगे उन सारे बेनिफिट से जो पर्सनल इंट्रैक्शन होता है, जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इंट्रैक्शंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. बच्चों का बच्चों से मिलना, फिर बच्चों का टीचर से मिलना, विच हेल्प देम टू डेवलप मैनी सोशल स्किल्स, और जिसके कारण बहुत सारा सोशल स्किल्स डेवलप करता है. नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक इज ओवर, द फन दे हैड. नाउ यू कैन study these all the given points. They are the very important points. You will understand easily and you can answer any questions of the taught chapter, the fun they have. Thank you so much. And now you will get these all the materials in the PDF. Thank you so much.